नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी फ्रेंड्स कॉलोनी जालंधर की ओर से डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डीवीएट कबीर नगर जालंधर में मनाया गया, जिसमें डॉक्टर श्रुति शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव नवल विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। तो वहीं आए हुए गणमान्य व्यक्तियों की ओर से समाज में अपना विशेष योगदान देने वाली महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान होममेड सामान की एग्जीबिशन भी लगाई गई। इस अवसर पर चेयरपर्सन कुसुम शर्मा, अध्यक्ष अंजू शर्मा, सचिव संजू गुप्ता, फाइनेंस सेक्रेटरी अनीता बाटला सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नारी चेतना मंच की तरफ से जितने भी पदाधिकारी हैं, इनका विशेष अभिनंदन, विशेष आभार कि आपने हमें यहाँ पे चुनकर कि हम डीवीएट में सेलिब्रेट करेंगे, आपने हमें अनुग्रहित किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन ये प्रपोजल आई, जिस दिन मैं माए कि ये हमने सेलिब्रेट करना है, उत्सव सेलिब्रेट करना है, तो कुछ लेडीज मिलना चाहती हैं। यू विल नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ वाइब्रेंस, द काइंड ऑफ energy they were radiating because they are doing something for the cause of humanity, for society. उस दिन पता चला कि ये जो नारी चेतना मंच है, ये 70 और जो लड़कियां हैं हमारी, उनको different तरह के skill upgrade program जो हैं, उनमें उनकी सहायता कर रही हैं ताकि अपनी जीविका को कमा सकें और समाज के लिए कुछ अच्छा ही बिखेर सकें। International Women Day 24 तब मनाया जा सकता है जब 23 का जो ऑब्जेक्टिव था पूरा हो गया हो। तो मैं आज मन से इसलिए आपको संबोधित कर पा रहा हूं क्योंकि पिछली बार का जो टैगलाइन थी, एम्पैथी फॉर फीमेल, यू शुड हैव द एम्पैथी, 23 का स्लोगन ये था, 24 का आज का स्लोगन इस साल का ये है दैट यू हैव टू इंस्पायर द इंक्लूजन ऑफ वुमेन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च से शुरू हुआ था, इसके कार्यक्रम लगातार ही चल रहे हैं। मेरा तो खासतौर पे मानना है कि हर दिवस ही महिला दिवस होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो कड़ी है, जो सिलसिला चल रहा है, ये भी चलते रहना चाहिए कि हम किसी ना किसी तरीके से तमाम सारी महिलाओं को जागृत कर सकें, सेंसिटाइज कर सकें। आज यहाँ डीवीएट में पहुँचे हुए हैं, बहुत अच्छा सहयोग मिला डीवीएट कॉलेज के प्रिंसिपल और सारी फैकल्टी से, और नारी चेतना मंच से महिलाएँ जुड़ी आई। और यहाँ पे आज मेरा खास तौर पे ये मकसद था कि हम उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि सशक्तिकरण के मायने हैं क्या। कई बार होते हैं कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि इतनी बातचीत हो रही है, महिला को सशक्त होना है, किस तरह से सशक्त होना है, क्या केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होके होना है या केवल शिक्षा प्राप्त करके होना है। शिक्षा के जो मकसद हैं, अपने अधिकारों को समझ पाना, उन अधिकारों को एक्सरसाइज करना, यूज़ करना, समाज के दूसरे वर्गों की महिलाओं, बच्चों, सभी को बताना, सबको साथ लेके आगे बढ़ना, सबका हाथ पकड़ना, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये सारी ही जो जितने ये मुद्दे हैं, अगर इन सभी मुद्दे पे महिलाएं एकजुट हो जाएंगी, और वो हो सकती हैं, उनमें तमाम सारी शक्तियाँ हैं, तो वो सही मायने में सशक्त हो जाएंगी। बहुत अच्छा काम कर रही हैं महिलाएँ, बच्चियाँ काम कर रही हैं, बहुत लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, तमाम सारे लोग, तो उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, खास तौर पे मैं अगर आज बच्चियों की बात कर रही हूँ, महिलाओं की कर रही हूँ, तो उनके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उनका हुनर है, उसको बाहर निकालना, उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।